जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, कहीं से टर्न ले रहे हैं, अचानक इंजन बंद हो गया, एक्सीडेंट हो जाता है उसी वजह से। इतना शौक है तो फोर व्हीलर ले लो, उससे भी ज्यादा शौक है हेलीकॉप्टर ले लो, और शौक है प्राइवेट जेट ले लो, उससे भी मस्त शौक है तो मोदी जी वाला ले लो, और शौक है तो अभिनंदन वाले ले लो, और शौक है तो यमराज से दोस्ती कर लो। आजकल जितने चीजें हो गए ऐसा कौन पूरा प्रेशर लगाएगा? प्रेशर जहां लगाना है उसके बीच में क्या भर दीजिए? लिक्विड। और उसी से क्या करते रहिए? काम करते। आजकल स्टीयरिंग वगैरह सब क्या आ गया? हाइड्रोलिक आ गया। पहले ट्रक को पूरा मेहनत से घुमाना होता था, अभी क्या हो गया? हाइड्रोलिक आ गया, अब आराम से घुमा सकते हैं। लेकिन हाइड्रोलिक की एक खराबी, इंजन बंद तो काम नहीं करता है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, कहीं से टर्न ले रहे हैं, अचानक इंजन बंद हो गया तो आपका इंजन स्टीयरिंग इतना टाइट हो जाएगा, इतना टाइट कि घुमाया नहीं बनेगा, एक्सीडेंट हो जाता है उसी वजह से। पहले की गाड़ियां थी क्या था कि इंजन बंद रहे चालू पूरी तरह से टाइट रहेगा। अभी की गाड़ियां आ गई हैं हाइड्रोलिक, जैसे इंजन ऑन होता है हाइड्रोलिक सिस्टम को क्या कर देता है? ऑन कर देता है। आपके बदले प्रेशर मशीन लगा देता है, थोड़ा सा प्रेशर को लगा देगा मशीन लगा। इंजन बंद हो गया, अब मशीन हो गई बंद, अब पूरा प्रेशर आप लगाइए अपने हाथ से। 1500 केजी की गाड़ी को क्या कीजिए? मुड़ाइए। इसलिए इंजन बंद रहती है तो आज की गाड़ियों को मुड़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो एडवांसमेंट आ रही है फीचर्स में, गाड़ियां हाइड्रोलिक हो रही है, लोग उस पर भी क्या कर रहे हैं? बहुत ज्यादा मिसयूज कर रहे हैं। अभी किसी एक मतलब बाइक राइडर का मतलब ओवर स्पीडिंग के चक्कर में डेथ हो गया। बताइए, जो इस दुनिया से चला जाता है तकलीफ उसको थोड़ी होती है, उसको तो शांति मिल गई। जिसे छोड़ के गया तकलीफ उसको होती है, समझा गया ना? दुनिया में दो चीज बहुत भारी होती है, एक बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी, और दूसरा बस्ता उठाने की उम्र में जब घर की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है, तो उससे भारी दुनिया में कुछ नहीं होता है। तो दो चीज बहुत मुश्किल होता है। पूछे किसी के बस्ता उठाने की उम्र में आपको सड़कों पे मिलेंगे लड़के काम करते हुए, आप उस खुशनसीब में जो आपको उतनी भारी जिम्मेदारी उठाने को नहीं मिली है। ये सब चीज बच के रहे कीजिए, क्या जरूरत रहता है ओवर स्पीडिंग करने की? यहाँ उतने में रखिए। 120 के बाद फोर व्हीलर आपके हाथ में नहीं रहती है, और 80 के बाद बाइक आपके हाथ में नहीं रहती। आप कंट्रोल कर रहे हैं अलग बात है, इतना शौक है तो फोर व्हीलर ले लो, 80 से जाना 120 पे, उससे भी ज्यादा शौक है हेलीकॉप्टर ले लो 350 पे जाना, और शौक है प्राइवेट जेट ले लो 600 पे जाना, उससे भी मस्त शौक है तो मोदी जी वाला ले लो 900 की स्पीड में जाना, और शौक है तो अभिनंदन वाले ले लो 2200 की स्पीड में जाना, और शौक है तो यमराज से दोस्ती कर लो। उड़ते ही रहना, जितना मन है उतना उड़ोगे। हम ये समझ में आ गया कि नहीं? अगर ये क्या चीज हो गया आपका? द्रव का दाब।